पति पत्नी के बीच अगर वो आ जाए तो वो हमेशा बाहर वाली ही होती है। वैसे हम यहाँ बात आज करने वाले खेसारी लाल यादव, पत्नी चंदा यादव और वो काजल राघवानी के बारे में, ये हम इस आधार पे कह रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में लगातार 2-3 लोगों ने काजल राघवानी पर ये ब्लेम लगाया है कि वो खेसारी लाल यादव की गर्लफ्रेंड है और खेसारी लाल यादव उन्हीं के इशारों पे अपने फिल्मों में हीरोइन चयन करते हैं। जी हाँ, ये सही है। अभी पिछले दिनों प्रियंका पंडित ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था, प्रियंका पंडित ने यहाँ पर आपको बता दें कि काजल राघवानी का नाम नहीं लिया लेकिन इशारा उन्हीं की तरफ किया। उन्होंने कहा था कि खेसारी लाल यादव की हीरोइन किसी और को उनके फिल्मों में हीरोइन बनने ही नहीं देती। काजल राघवानी के मर्जी के अनुसार ही खेसारी लाल यादव के फिल्मों में हीरोइन चयन की जाती है और ऐसा खुलासा तो अक्षरा सिंह ने भी किया है। जी हाँ, अक्षरा सिंह ने भी एक बार इंटरव्यू में कहा था कि खेसारी लाल यादव की हीरोइन, यहाँ पर अक्षरा सिंह ने भी काजल राघवानी का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि खेसारी लाल यादव की हीरोइन के मर्जी के बिना उनकी फिल्मों में हीरोइन कोई और हो ही नहीं सकती। यहाँ पर हम एक बात कहना चाहेंगे, तो क्या यही बातें आम्रपाली और अक्षरा सिंह पे भी लागू होती हैं? आम्रपाली भी निरहुआ के साथ हर फिल्म में नजर आती हैं। उनके साथ तो बहुत ही कम नई हीरोइनें आती हैं और साथ ही साथ अक्षरा सिंह जब पवन सिंह के साथ थी तो उनपे तो सीधी तोहमतें लगती थी कि अक्षरा सिंह किसी और हीरोइन को पवन सिंह के साथ फिल्में नहीं करने देती है। तो इसका मतलब तो यहाँ ये हुआ और अक्षरा और आम्रपाली करे तो सही। वैसे हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि ये सारी बातें सुनी सुनाई हैं, इन पर यकीन करें या न करें ये आप पर है, लेकिन अगर इन पर यकीन करें तो ये पति पत्नी और वो वाला मैटर खेसारी लाल यादव के लाइफ में चल रहा है और हो सकता है शायद इसी वजह से पत्नी चंदा यादव को काजल राघवानी पसंद नहीं आती है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।